आज से 100 साल पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि पानी को बेचा जा सकता है, लेकिन आज बड़ी सारी कंपनीज हैं जो कि शुद्ध पानी बेच रही हैं। पैकेज्ड वाटर के नाम पर उनकी कंपनियां बहुत धूम मचा रही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडिया का एक ऐसा ब्रांड जो आज शुद्धता का प्रतीक बन चुका है, उसकी कहानी क्या है? ये कहानी उस कंपनी की है जो शुरुआत में मलेरिया की दवा बनाती थी, लेकिन बाद में पैकेज्ड वाटर बेचने लगी। फेलिस बिस्लेरी नाम के इटली के बिजनेसमैन ने इसकी शुरुआत की। 1921 में उनकी मृत्यु हो गई मिलान में। उनके चले जाने के बाद डॉक्टर रोजीज ने इस कंपनी को संभाला, इसके मालिक बने। शुरुआत में बिस्लेरी कंपनी मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने की कंपनी थी और उस वक्त इसकी एक ब्रांच अपने इंडिया में मुंबई में थी। इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन खुसरू संतूक, उनके जो फादर थे, वो बिस्लेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर थे और साथ में डॉक्टर रोजीज के अच्छे दोस्त भी थे। डॉक्टर रोजीज ने देश में बढ़ रही जो बिजनेस की डिमांड थी, उसको देखते हुए दूसरों से कुछ अलग करने का डिसाइड किया। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके मन में आया कि क्यों ना बिस्लेरी बिजनेस की शुरुआत इंडिया में की जाए। इंडिया में ब्रांडेड वाटर बेचने का फॉर्मूला तो तैयार था डॉक्टर रोजीज के पास में, लेकिन अब जिम्मेदारी थी खुसरू संतूक साहब को बनाने की। तो खुसरू संतूक साहब को उन्होंने मना लिया और कहा कि हम मिलकर के कुछ नई शुरुआत करते हैं। इंडिया में इस वक्त बिजनेस की डिमांड है, लोग चाहते हैं कुछ नया हो जाए, लेकिन फॉर्मूला मिल नहीं रहा है। मेरे पास में फॉर्मूला है, हम पैकेज्ड वाटर बेचेंगे, शुद्ध पानी जो है लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और इस फॉर्मूले को लेकर के जब वो खुसरू संतूक के पास में गए तो फाइनली उन्होंने उन्हें मना लिया। खुसरू संतूक तैयार थे वाटर प्लांट लगाने के लिए और शुरुआत करते हैं वो मुंबई के ठाणे क्षेत्र में बिस्लेरी वाटर प्लांट की 1965 में। उसके बाद में ये काम जो था रुकने वाला नहीं था। शुरुआत में लोग जो थे वो खुसरू संतूक साहब को पागल कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब पानी थोड़ी ना बिकेगा। वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि इंडिया में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो तब एक रुपये में इसको बेचा जा रहा था बॉटल को, और एक रुपया उस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी कीमत रखता था और एक रुपया देकर के पानी खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। बिस्लेरी वाटर प्लांट को मुंबई में स्थापित करने के पीछे जो सोच थी वो ये थी कि उस समय वहाँ पीने का जो पानी था वो लायक नहीं था, पानी पीने के लायक नहीं था। इस वजह से डॉक्टर रोजीज ने सोचा कि लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और ये जो हमारा बिजनेस है शुद्ध पानी वाला, वाटर प्लांट वाला, ये बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इटली के बिजनेसमैन ने बिस्लेरी कंपनी की शुरुआत की। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन कंपनी कैसे बन गई, तो पहले शुरुआत की ही बात कर लेते हैं। शुरुआती दिनों में बिस्लेरी के दो प्रोडक्ट्स मार्केट में दिख रहे थे, पहला था बिस्लेरी वाटर, दूसरा था बिस्लेरी सोडा। ये जो दोनों प्रोडक्ट थे इनकी सप्लाई महंगे रेस्टोरेंट्स में हो रही थी, 5-स्टार होटल्स में हो रही थी, हालांकि धीरे धीरे आम पब्लिक को भी मिलने लगे थे। लेकिन जो डिमांड थी मार्केट में वो बिस्लेरी सोडा की ज्यादा थी। जिस वाटर प्लांट की शुरुआत की थी, जो पानी बेचना चाह रहे थे, वो बिक नहीं रहा था और खुसरू संतूक साहब को समझ में आ चुका था कि भैया ये धंधा जो है ज्यादा चलेगा नहीं। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बेच देते हैं। जहां बिस्लेरी के बिकने की बात आई तो ये बात जो थी मार्केट में फैल गई और पार्ले कंपनी के जो चौहान ब्रदर्स थे उन्हें मालूम चला कि बिस्लेरी बिकने के लिए तैयार है। और पार्ले कंपनी के जो चौहान ब्रदर्स थे उनमें से एक रमेश चौहान जी ने 1969 में इस कंपनी को खरीद लिया। बिस्लेरी अब पार्ले के पास में आ चुकी थी और जब बिस्लेरी उन्होंने खरीदी तो इंडिया में उसके 5 स्टोर्स थे, 4 तो मुंबई में थे और 1 कोलकाता में था। रमेश चौहान जी ने अपनी जो सोच थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में उन्होंने बिस्लेरी को मार्केट में लॉन्च किया। वो कंपनी पानी तो बेच ही रहे थे बिस्लेरी कंपनी का, लेकिन साथ में 2 और ब्रांड लेकर के आए, बबली और स्टिल, और साथ में बिस्लेरी सोडा भी वो लेकर के आए। तो पार्ले ग्रुप ने कई सालों तक बिस्लेरी के नाम से इसे बेचा। आगे चलकर के कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च की जो कि कांच की बॉटल में बेची जाती थी, जिसे पीने के बाद में बॉटल को वापस लौटाना होता था, अगर आपको वो जमाना याद हो। पार्ले कंपनी बिस्लेरी को लेकर के अलग अलग स्ट्रैटेजी तैयार कर रही थी और ऐसे में उन्होंने सोचा कि जो इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाली जगह हैं, सार्वजनिक जगह जो हैं, स्पेशली बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, सड़क किनारे हो गया, ढाबे हो गए, ऐसी जगहों पर हमें बिस्लेरी वाटर जो है उसे पहुंचाना है। और वहां के लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू किया जो कि आसपास दुकानें लगाते थे। इनका पर्पज़ ये भी था कि स्पेशली जब कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो कहीं उसे गंदा पानी पीने को ना मिल जाए, उसकी जो यात्रा है वो कहीं दूषित ना हो जाए, कहीं उसकी यात्रा ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे में इन्होंने स्पेशली उन जगहों को टारगेट किया जहां इन्हें उम्मीद थी कि लोग पानी खरीदना शुरू करेंगे और जो इनकी स्ट्रैटेजी थी वो काम आई। कंपनी ने अपना जो ब्रांड प्रमोशन का तरीका था, जो पैकिंग थी, उसमें भी चेंजेस ये लेकर के आए और धीरे 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 मार्केट में बिस्लेरी वाटर जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। 1970 से 1999 तक बिस्लेरी ने इंडियन मार्केट में अपना एक अलग ही झंडा बुलंद रखा, लेकिन कहते हैं ना वो कॉम्पिटिशन तो आ ही जाता है। 2000 में बेलेक्वाफिना और किनले जैसी कंपनीज आईं और उन्होंने भी ये दावा किया कि वो शुद्ध पानी जो है भारतीय कंज्यूमर्स के लिए उपलब्ध करवा रही हैं। और ऐसे में
चैलेंज आया बिस्लेरी के सामने, अब उन्हें फिर से खुद को रीपोजिशन करना था, फिर से सोचना था नई जो है स्ट्रैटेजी उसे लेकर के आनी थी। बिस्लेरी ने बॉटल के साइजेस में चेंज वो लेकर के आया, अलग अलग साइज़ की बॉटल्स उन्होंने मार्केट में उतारी और अपने जो एडवर्टीजमेंट का तरीका था उसको भी उन्होंने चेंज किया। एक ऊंट वाला विज्ञापन है जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, आपने देखा होगा। तो लगातार वो अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को चेंज करते रहे और वो ये कोशिश करते रहे कि जो उनकी स्पेस है इंडियन मार्केट में वो कहीं ना जाए। आज भी अगर बात करें तो लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी इंडियन मार्केट में बिस्लेरी कंपनी रखती है। आज इनके 135 प्लांट से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं, करीबन 2 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी जो है रोज़ाना ये बेच रहे हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो हज़ारों इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स इस वक्त बन चुके हैं और अगर रिटेल आउटलेट्स की बात करें तो लाखों में संख्या पहुंच चुकी है। बिस्लेरी कंपनी की ये जो कहानी है सिखाती है कि लाइफ में अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ें, सही सोच के साथ में आगे बढ़ें, तो चाहे तमाम चैलेंजेस आ जाएं, चाहे तमाम लोग कहें कि आप गलत काम करने जा रहे हैं या आपके बस की बात नहीं है, आपको पागल कहने लग जाए पब्लिक, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है और बताना है कि जो आपने सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये जो बिस्लेरी की कहानी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चाहते जाते फिर से वही बात जो कहता हूँ, कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।